नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क। बदलते वक्त का आईना, मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड़ पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में पहुंचे विधायक डॉक्टर जसवंत यादव का फूलमाला एवं गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता उप प्रधान गजराज यादव ने की। वहीं बैठक के दौरान प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट बस्तराम यादव सहित सरपंचगण एवं पंचायत समिति सदस्यों के अलावा आमजन ने भी अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। वहीं विधायक डॉक्टर यादव ने तमाम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि काम करने वाला ही अधिकारी बहरोड़ में रहेगा, यह मेरी गारंटी है। साथ ही एडवोकेट वस्त्राम यादव ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जिले के कार्यालय बहरोड़ में खुलवाने हेतु ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक ने कहा कि हम सब मिलकर मुख्यमंत्री पर दबाव बनाएंगे और कहेंगे कि जिले में जब नाम जोड़ा है तो हमारा हक हमें मिलना चाहिए, कम से कम आधे कार्यालय बहरोड़ में खुलने चाहिए। साथ ही बैठक के पश्चात डॉक्टर जसवंत यादव ने प्रेस वार्ता की और बताया कि सभी अधिकारी विकसित भारत शिविर में गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ऐसे में अधिकारी ऑफिस में मौजूद कैसे रह सकते हैं? इसका सीधा मकसद ये है कि आम आदमी को, जिनको कोई भी अभी तक सुविधा नहीं मिली है, जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उनको उनका हक मिल जाए। तो एक दिन में हमारे दो कैंप हो रहे हैं, उन कैंपों के अंदर सारे अधिकारी मौजूद रहते हैं। तो जब अधिकारी कैंप में मौजूद रहेगा तो वो ऑफिस में नहीं बैठ सकता। इसलिए आप लोगों ने लिख दिया कि ऑफिसों के अंदर अधिकारी नहीं बैठ सकता, क्योंकि उनको तो कैंप में जाना है। तो वहाँ पर आम आदमी को सुविधा मिल रही है, जिन महिलाओं को 450 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर मिलेगा, तो वहाँ तो अधिकारी का रहना जरूरी है। KYC बनती है विकसित भारत के अंदर, सारा का सारा इसी तरह से कृषि का है, पशुपालन का है, मतलब हर स्कीम है जो वहाँ पर है। तो मौके पर ही सबको फायदा मिल रहा है। जब मौके पर फायदा मिल रहा है तो अधिकारी का रहना वहाँ उपस्थित जरूरी होता है। इसलिए जब तक कैंप चलेंगे, अगर किसी भी आदमी को कोई अपना इंडिविजुअल काम है वो कैंप में जाता है, तो वहाँ उसको एंटरटेन किया जाता है, उसको कोई मना नहीं किया जाता। तो मेहरबानी करके कि आज ऑफिसों के अंदर तब तक अधिकारी नहीं बैठ सकते जब तक ये कैंप चल रहे हैं। कैंप का उचित कारण ये होता है कि हर अधिकारी वहाँ मौजूद रहे और सबको सब सुविधाएँ मिले, इसलिए हमारे कैंपों के अंदर लोग नहीं रहते हैं। जो कैंप खाली कहते हैं ना कि ऑफिस खाली पड़े, ऑफिस खाली नहीं पड़े हुए, वो ऑफिस गांवों में लगे हुए हैं। वो सारे के सारे अधिकारी गांवों के कैंपों के अंदर मौजूद रहते हैं। तो ये जो बात आती है, आप जब लिख देते हो कि ऑफिस खाली पड़े, ऑफिस तो खाली तब तक रहेंगे जब तक गाँव के अंदर अधिकारी रहेगा, तो वो ऑफिस ही हमारा, उसके अंदर सबको सुविधाएँ मिलती है, उसका मुख्य कारण ये है। और इसी उपलक्ष्य में ये मीटिंग बुलाई है कि हम आप लोगों को बता सकें कि हमारा हर ऑफिस गांव के पंचायत हेडक्वार्टर पर जा रहा है, सारे अधिकारी जा रहे हैं, एक भी अधिकारी उसमें अनुपस्थित नहीं रह सकता। उसमें चार जगह से मॉनिटरिंग हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से डेली हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, SDM के पास भी फ़ोन आते हैं, और राष्ट्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी रोजाना फोन आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे फोटो भी मंगवाते हैं कि आप वहाँ उपस्थित थे कि नहीं थे, कितने लोगों को फ़ायदा मिला, कितनी संख्या उपस्थित थी, कितने संख्या के अंदर किन किन लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिला, ये सब चीज़ें रोजाना डेली मॉनिटरिंग चार लेवल पर हो रही है। पार्टी लेवल पर हो रही है, प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर हो रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रही है, और मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रही है। इसलिए अधिकारी जब तक कैंप रहेंगे तब तक वो कैंपों में उनका रहना जरूरी है, वो ऑफिस में नहीं बैठेंगे। किसी को ऑफिस संबंधित काम है तो उनको वहाँ आ जाएंगे। तो अधिकारी को खुला निर्देश मिला हुआ है कि कैंप के अलावा किसी व्यक्ति को, किसी पीड़ित को कोई इमरजेंसी काम है,
कहीं कोई दस्तक कराना है, कोई सर्टिफिकेट लेना है, कोई और कुछ लेना है, तो कैंप में जाए उसको सुविधा मिलेगी। इस उपलक्ष्य में आपको डॉक्टर साहब, अभी साधारण सभा की मीटिंग हुई है, कई अधिकारियों की मनमानी सामने आई है, जनप्रतिनिधियों ने काफी संख्या में शिकायत की, क्या कदम उठाने जा रहे हैं इसके अंदर? निश्चित रूप से आप पहली मीटिंग थी, उनको हमने कह दिया है कि मिलकर के जनप्रतिनिधि और कर्मचारी अधिकारी मिलकर ही काम करेंगे, बिना दोनों के मिले हुए विकास नहीं हो सकता। और अब ये पुरानी बातें, कौन क्या था और कौन कहा नहीं था, पहले का जो आया है सुनने के अंदर, अधिकारी बेलगाम थे, क्योंकि हमारे पूर्व विधायक जी पंचायत समिति की साधारण सभा में आते नहीं थे, वो कर्मचारियों के ऊपर अंकुश होता नहीं था, इसलिए उनकी मनमानी चलती थी, पर अब नहीं चलेगी। मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा, जो अधिकारी काम करेगा वो यहाँ रहेगा, जो अधिकारी काम नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, निश्चित होगी। उसके लिए जांच चल रही है, इस जांच को और तेज गति से बढ़ाया जाएगा और विधानसभा के अंदर इसको और पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। जिले को लेकर सर काफी सारी मांगे हैं जो आपको ज्ञापन भी सौंपा गया है, कितना प्रयास रहेगा आपकी तरफ से? किस तरह? मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, इसमें मुझे पत्रकारों का भी सहयोग की जरूरत है, जनप्रतिनिधि के भी सहयोग होता है, आम जनता की भी जरूरत है, क्योंकि ये जिला जो बना है ये आनन फानन में मुख्यमंत्री जी ने वोट के लिहाज से बिना सोचे समझे जिले बनाए हैं, उन्होंने सही भौगोलिक स्थिति को देखा नहीं है। अब बहरोड हमारा एक तरफ पड़ जाता है, जिला बना दिया कोटपुतली, कोई भी वहाँ से यहाँ आने को तैयार नहीं है, पर हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और इसके अंदर कामयाब होंगे, इसमें आप सबका सहयोग चाहिएगा। मैं तो नहीं चाहता विधायक साहब को लंबी उम्र मिले और फांसी आजकल लग नहीं सकते, स्वेच्छा से कोई आदि मृत्यु ले नहीं सकता, वो तो बहुत बड़ा गुनाहगार होता है। ये पैसा मैंने जो उसी टाइम अधिकारी से पूछा कि किस मद के अंदर बोरिंग बनाया, तो उन्होंने कहा साहब जो आपके टाइम के अंदर पैसा मंजूर हुआ था वो पैसे अभी बचे हुए हैं, और उसके अंदर एक ही बोरिंग नहीं चार मंजूर भी हाथ बोरिंग हाथ के हाथ मंजूर कर दिए गए हैं। तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मुझे तो जो अधिकारी बताएगा वही ज्ञान होगा, उसको और चेक करा लूँगा, और किसी भी मत से हुआ एक अच्छा काम भी हुआ है। अगर मान लो मेरे पैसे का नहीं भी हुआ है, ऐसा तो मेरा नहीं है, पैसा सरकार का है, और 24 करोड़ रुपया मैंने मंजूर करा के गया था। अभी मैंने उनका पूरा ना तो हिसाब देखा है ना उनका हिसाब लिया है कि वो बचे कि नहीं बचे, पर जिस मत से हुआ है अच्छे काम के लिए हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। सामने आए किस तरह से उनको आश्वासन दिया गया, अधिकारियों को किस तरह से संदेश? आज पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें माननीय विधायक महोदय, माननीय जिला प्रमुख महोदय पधारे थे, और उनके सामने ये सब समस्याओं को जनप्रतिनिधियों ने जो जो बात रखी थी उनका समाधान के निर्देश दिए गए। विशेष करके पेयजल का संकट भारी है, विशेष करके जेजेम को लेकर के जनप्रतिनिधियों ने भारी चिंता प्रकट की और उसमें बहुत शिकायतें भी आई। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जेजेएम की पेंडिंग सभी योजनाओं को आगे कार्य रूप दिया जाए, और उसमें गहराई को लेकर के भी चर्चा हुई, तो बोरिंग की गहराई भी बढ़ाई जाए, और पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों से जेजेएम के तहत डली पाइपलाइनों का मुआवजा भी दिया जाए, सड़कों का। इन सब बातों को लेकर के एक एक बात को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। विशेष करके आज एक प्रस्ताव ये भी लिया गया कि ERCP जो योजना है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों अति संवेदनशील हैं, उस योजना के प्रति हमारा बहरोड और नीमरणा उस में शामिल नहीं है, उसको विधायक और जिला प्रमुख जी की उपस्थिति में प्रस्ताव लिया गया कि ERCP में बहरोड और नीमराणा को जोड़ा जाए। साथ ही बहरोड और कोटपुतली जो संयुक्त जिला गठित किया गया है राज्य सरकार द्वारा, उसमें दुर्भाग्य की बात है कि पिछली सरकार के द्वारा, विधायक के द्वारा कोई भी कार्यालय बहरोड में स्थापित नहीं किया गया, सारे के सारे कार्यालय कोटपुतली में स्थापित हैं। उन कार्यालयों में से आधे कार्यालय बहरोड और नीमराणा में स्थापित किए जाएँ, और विशेष करके उसमें
जिला परिषद को बहरोड में स्थापित किया जाए। सत्र न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय को भी बहरोड में स्थापित किया जाए। जिला कलेक्टर और एसपी के पद वहाँ पे कोटपुतली में स्थापित हैं। इसके अलावा हमारा एडीएम का दफ्तर बहरोड निमराणा में स्थापित हो, समाज कल्याण का जिला कार्यालय बहरोड निमराणा में स्थापित हो, पानी बिजली और पीडब्ल्यूडी महकमे के अधीक्षण अभियंता कार्यालय बहरोड में स्थापित हों। इन सब मांगों को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिस पर विधायक महोदय ने कहा कि निश्चित रूप से सरकार को कहेंगे कि भाई या तो कोटपुतली के साथ में बहरोड को जोड़ा गया है वो हमारा नाम हटाया जाए, अन्यथा ये पांचों कार्यालय जिला परिषद, जिला एवं सत्र न्यायालय, एडीएम कोर्ट, समाज कल्याण का दफ्तर, पानी बिजली सार्वजनिक विभाग के एससी के दफ्तर, ये सब यहाँ पे खोले जाएं, ये विस्तार से चर्चा हुई। कुछ अधिकारियों की कर्मचारियों की मनमानी भी सामने आई, जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की, उनके खिलाफ क्या एक्शन? आज जनप्रतिनिधियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी प्रकट की। उसमें अधीक्षण अभियंता तो चूँकि कोटपुतली में पद स्थापित है वो पहुँच नहीं पाए, लेकिन इस बात पे विशेष नाराज़गी प्रकट की गई कि अधिशासी अभियंता भी बहरोड में स्थापित है पद, वो नहीं पहुँचे। उनको प्रस्ताव लिया गया सर्वसम्मति से कि उसको यहाँ से हटाया जाए और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अति संवेदनशीलता से जनप्रतिनिधियों की बातों पर गौर किया जाए, पानी और बिजली की समस्या को गंभीरता से लिया जाए। आज साधारण सभा में प्रधान की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रहा, क्या कुछ मतलब? प्रधान जी तो महीने भर से बॉम्बे बच्चों के पास में गई हुई है, इसलिए प्रधान जी की अनुपस्थिति में उप प्रधान ने आज कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया के तहत है कि वही प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान कार्यक्रम की अध्यक्षता करे, और बाकी सब जनप्रतिनिधि मौजूद थे, पंचायत समिति सदस्यगण भी, सरपंच साहिबान भी, सब लोग मौजूद थे और बहुत ही गंभीरता से, गहनता से, संवेदनशीलता से एक एक मुद्दे को लेकर के चर्चा की गई, जिसके समाधान के लिए निर्देशित किया गया। मैं समझता हूँ कि सत्ता पलटी है तो कुछ जमीन पर काम होते हुए नजर आएंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। साधारण सभा की बैठक थी, जनसुनवाई का भी रूप दिया गया है, क्या कुछ उद्देश्य? देखिए, साधारण सभा की बैठक का भी मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को समाधान करने का है, और जब यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य और सरपंच साहिबान के अलावा गांव से फरियादी जो भी पधारे थे, उसमें नैतिक दायित्व तो है कि उनकी समस्या का समाधान भी होना चाहिए, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। तो इस बार निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को भी सुना गया है और आम जन फरियादियों को भी सुना गया है। हमने अच्छी परिपाटी चालू की है, मुख्य उद्देश्य समस्या का समाधान है, उसको हमने करने की। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था, यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक का प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में आईआईटी नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। बहरोड कस्बे के कुंड रोड पर स्थित श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय में भारत विकास परिषद राठ शाखा बहरोड द्वारा संस्कारों का सही पोषण एवं सुरक्षा संयुक्त परिवार व्यवस्था से ही संभव है विषय पर अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्राओं के लिए अपनी राय रखने और मान्यता अर्जित करने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 10 महाविद्यालयों की 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉलेज चेयरपर्सन डॉक्टर नीलम यादव ने बताया कि अच्छे संस्कारों और अच्छी शिक्षा परिवार के बिना संभव नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों को जीवन में अपने माता पिता एवं गुरुजनों का आदर और सम्मान कर
जीवन मूल्यों से भरी शिक्षा हासिल कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिता के पक्ष में प्रथम स्थान कविता, द्वितीय स्थान लक्ष्मी और तृतीय स्थान नेहा व ममता रही। वहीं विपक्ष में प्रथम स्थान संगीता, द्वितीय स्थान संगीता और तृतीय स्थान पर आस्था व अंजलि रही। निर्णायक मंडल की भूमिका में डॉक्टर बलवंत शास्त्री, आरपी गौतम और सुभाष मीणा रहे। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष सतबीर यादव, सचिव रोहितास गुप्ता, कोषाध्यक्ष गोपाल शर्मा, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मुकेश कुमार यादव, प्रकाश जांगिड, देवेंद्र यादव, मुकेश मोदी, सतीश गुप्ता सहित भारत विकास परिषद के सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे। वहीं मंच संचालन राजेंद्र योगी ने किया। आज भारत विकास परिषद के द्वारा अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहरोड क्षेत्र की विभिन्न कॉलेजों के वाद विवाद प्रतियोगिता में छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे, जिसका विषय है संयुक्त परिवार और आज के समय में संस्कार, कि किस तरह से भारत की संस्कृति में आज भी संयुक्त परिवार का अपना महत्व है और संयुक्त परिवार में पलने वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा संस्कारित होते हैं। इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों ही पहलू पर स्टूडेंट अपनी राय रखेंगे और जो भी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वो आगे जाकर जिला स्तर पर इसका प्रतियोगिता का आगे पार्टिसिपेशन होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद ये प्रांत स्तर पर होगी, तो हर बार ये प्रतियोगिता भारत विकास परिषद के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसका आयोजन आज श्रीमती नारायण देवी महिला महाविद्यालय में है। मुझे पूरा विश्वास है निश्चित रूप से हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एक अच्छी डिबेट के साथ इस प्रतियोगिता में इस विषय को रखेंगे। शिक्षा के साथ साथ अन्य भी कई प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं श्रीमती नारायण देवी में, किस तरह से बच्चों के भविष्य को लेकर किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया जाता है, किस तरह की शिक्षा पर विश्वास? स्वतः ही इस विषय से आप सबको समझ में आना चाहिए कि संयुक्त परिवार और संस्कार आज वर्तमान परिस्थितियों में हमें क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हर एक डिबेट, हर एक एक्टिविटी इसलिए आयोजित की जाती है कि हमारे स्टूडेंट्स का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, और ये वो प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ से जिन बच्चों का संस्कार, चरित्र और शिक्षा के माध्यम से जो निर्माण कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण का ही एक प्लेटफॉर्म है, और समाज की जो एक्टिविटी हैं उनमें आने वाले समय में हमारे ये ही बच्चे आगे जाकर कुछ ना कुछ अच्छे पायदान पे खड़े होंगे। तो चाहे शिक्षा की हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की हो, चाहे समाज और राष्ट्र के लिए कोई भाव हो, वो निष्ठा और समर्पण से होना चाहिए, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम ज़्यादा अनुशासित और संस्कारित रख पाएंगे। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एम हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।